सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूँ पैरासीटामोल, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलेट ड्रॉप्स। चलिए इस ड्रॉप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप का रेट है 38 रुपये। चलिए इस ड्रॉप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप में आपको पैरासीटामोल 125 mg, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg तथा क्लोरफेनिरामाइन मैलेट 1 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप के ब्रांड नेम के बारे में। इस ड्रॉप्स का ब्रांड नेम है जुकामाइन प्लस ड्रॉप्स। यह ड्रॉप एल्किम फार्मा द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा कॉफ एंड कोल्ड ड्रॉप्स माना जाता है। यह ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के यूज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में एलर्जी या खुजली हो रहा हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। आँख या नाक से पानी गिरता हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। छाती में कफ हो गया हो और बहुत ही ज़्यादा खांसी आता हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। बच्चे को सर्दी जुखाम के कारण बुखार आता हो और बदन दर्द करता हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। बच्चे का सर दर्द करता हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। नाक या कान में सनसनाहट हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। बच्चे को दवा का रिएक्शन हो गया हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के डोज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से देते हैं। इस ड्रॉप्स को हम अपने बच्चों में जो 6 से 8 kg के आसपास हो उसे यह ड्रॉप्स एक एक ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार दे, बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह ड्रॉप्स दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। थकान लग सकता है, आँख आ सकता है, सिर दर्द करने लगता है, नींद लग सकता है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस ड्रॉप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों
चलिए जान लेते हैं कि इस ड्रॉप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, घबराहट होता हो, गुर्दे की बीमारी हो, तो इस ड्रॉप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।